के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। श्रीमती नैनाजी चौटाला का और आपका अब रूबरू होने का समय आ चुका है। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपा जोरदार नारे फिर लगाने का काम करें। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। एक बार बहुत जोर से ताली बजाकर श्रीमती नैना जी का स्वागत करने का काम करें। बहुत ही आदरणीय डबवाली की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी अब आपके बीच में है। नैना जी, बहुत ही मान सम्मान के योग आज बोहर गांव में पूरे किलोई हलके से इकट्ठे हुए मेरे पिता तुले बुजुर्गों, नौजवान बच्चों और बड़ी भारी संख्या में आई हुई। आपने तो पीछे वाली मैं कल कह के आई थी, वहां पे आए अटेली में सलारपुर गांव में, मैं कह रही थी मुझे लगता है इतनी महिलाएं क्या कहीं इकट्ठी हो सकती हैं, पर मैं आज कह रही हूँ कि किलोई जितनी महिलाएं क्या इकट्ठी हो सकती हैं। आपने तो उनसे भी अपना झंडा ऊपर कर दिया। तो मैं एक एक मेरी माता और बहन का, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, आपके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। ये बाबा मस्तनाथ की भूमि है, तो मैं सबसे पहले बाबा मस्तनाथ को नमन करूंगी। और वहीं बोहर में मंच पर विराजमान श्रीमती शीला भ्यान जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र लिदाणी जी, विधायक अनूप धानक जी, श्रीमती मीना मकड़ोली जी, जिला अध्यक्ष धर्मपाल मकड़ोली जी, बलराम मकड़ोली जी, संदीप हुड्डा जी, सूरज सिंह खटक जी, रविंदर सागवान जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग बल्लू प्रधान जी, प्रेम हुड्डा जी, बनी सिंह नांदल जी, संजय बलहारा जी, हरज्ञान ठेकेदार जी, चंद्र सिंह बैरागी जी, भूपेंद्र सरपंच जी, रामदिया राठी जी, भूपेंद्र खेरड़ी जी, राजेश सैनी जी, मनोज बालन जी, हरी किशन सिमली जी, दलबीर धनकर जी, रमेश गोदारा जी, मुंशीराम बेनीवाल जी, बलराम जी, देवेंद्र कासनिया जी, श्रीमती प्रेमलता खत्री जी, श्रीमती बाली जी, सुषमा भानमती, निर्मला राजेश, संतोष प्रोमिला, मूर्ति शीला, सतीश, अमित, बबीता, सरोज, शीला चहल, कपिला काद्यान जी, संजय दलाल जी और बाकी पूरा सम्मानित मंच। आज हरी चुनरी चौपाल का 25वां पायदान है। ये जब हमने शुरू की थी तो मुझे लगता है हमारी पहली मीटिंग में सिर्फ 50 महिलाएं हिस्सा आई थी जब हमने ये शुरू की थी। और इसकी शुरुआत की थी जुगलान गांव में, जहां मुझे लगता है मुश्किल से पहली हरी चुनरी की चौपाल जो थी वो हम लोगों ने 300 महिलाओं से शुरू की है। और आज यही हरी चुनरी की चौपाल, मैं अंदर से मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हम महिलाएं घरों से बाहर निकलकर आज उसी संख्या को बढ़ाते हुए ये महिलाओं की जो संख्या मुझे लगता है 10,000 के करीब पहुंचने का काम कर गई। तो एक बार फिर हर महिला का धन्यवाद करूंगी कि आप लोग जो हो वो जब हमारे वोट पड़ते, हरियाणा में आपकी वोट प्रतिशत जो है वो 50 है, आप बराबर के हकदार हो हरियाणा के वोटर सूची में। आप चाहो जिसका राज बना सकते हो, आप चाहो जिसका राज पलट सकते हो। तो आप, मैं कहूंगी महिलाओं से कि आप जो है वो अपनी ताकत को पहचानो, सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपने किसी को चलते करने का बीड़ा उठा लिया तो मुझे लगता है एक बार हिम्मत करके देखो, अगर हम चाहें कि हमने ये काम करना है, अगर महिलाएं ठान ले तो मुझे लगता है कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते।
तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगी कि हम आज इस भारी भीड़ को देखते हुए 4.5 साल से बीजेपी के राज को हम लोग भुगत रहे हैं। उसमें भी हमारी हिस्सेदारी थी उस राज को लाने में, क्योंकि जो उन्होंने इतने बड़े बड़े नारे दिए थे कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हम लोग फिर झांसे में आ गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, उसके लालच में भी हम शायद महिलाएं ज्यादा आई थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं आज के दिन सबसे ज्यादा बेरोजगार है। उसी लालच में हमने बीजेपी सरकार को लाने का काम किया था, ना तो हमारे हरियाणा में आज के दिन 2 लाख बच्चों को रोजगार मिला। सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल में 30,000 बच्चों को नौकरी देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। अगर हम बात बच्चों की शिक्षा की करें तो सबसे ज्यादा दुर्गति आज के दिन हरियाणा के स्कूलों की है कि हमारे स्कूल ना तो आज के दिन अपग्रेड हुए, ना 10वीं से 12वीं का करने का काम किया और ना 8वीं से स्कूलों को 10वीं तक करने का काम किया। तो आज हमारे हरियाणा में अगर हम शिक्षा को देखें, सुरक्षा को देखें और स्वास्थ्य को देखें, तो तीनों चीजों में सबसे ज्यादा अगर कोई भुक्तभोगी है तो मेरी माताएं और बहनें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हैं। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हरियाणा सरकार में जितने भी हमारे आज के हॉस्पिटल्स हैं, इस सरकार ने कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी आज के दिन पता नहीं हमारी महिला डॉक्टर्स हैं उनको कहाँ भेज दिया, कहीं हॉस्पिटल्स में महिलाएं डॉक्टर नहीं है। आज हमारी महिलाएं इलाज के लिए अगर हॉस्पिटल में जाती हैं तो वो दर दर की ठोकरें खाती हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी, मुझे लगता है एक आधार कार्ड इन्होंने ऐसा शुरू किया जिसकी वजह से दाखिला हॉस्पिटल में एडमिट होने में भी घंटों लग जाते हैं। कई बार तो डिलीवरी जो है वो पार्क में डिलीवरी हुई है महिलाओं की। तो आज के दिन महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित भी है। आज महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा किडनैपिंग के जो केस हो रहे हैं वो महिलाओं के साथ हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बलात्कार की बात करें तो हरियाणा में आए दिन अगर हम अखबार उठा के देखें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार ना हो। आए दिन महिलाओं की जो है वो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी, इवन की चार वर्ष की और चाहे 65 वर्ष की महिलाओं, दरिंदों ने तो इन उम्र की महिलाओं को भी छोड़ने का काम नहीं किया। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकार को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, और जब आप आगे 2019 में जब आपकी अभी वोट पड़ने वाले, सबसे पहले लोकसभा के वोट पड़ेंगे, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी अपनी सरकार जो है मौजूदा सरकार का, इसको हम लोग चलता करने का काम करेंगे और बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करेंगे। और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, आज आपके पास बहुत बड़ा विकल्प है जननायक जनता पार्टी को राज में लाने का, तो बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करो और जननायक जनता पार्टी को लाने का काम करो। जब आपकी अपनी सरकार होगी 2019 में, आपका मनपसंद आपका मुख्यमंत्री होगा, तो सबसे पहले मैं दुष्यंत को ये बात हर बात कहती हूँ भी बेटा, आपने जो जननायक जनता पार्टी का नाम जो पार्टी का रखा है, इस पार्टी का नाम चोई देवीलाल के ऊपर है। दादाजी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनकी मिसाल आज भी हरियाणा में कायम है। आज भी हरियाणा का बच्चा और बूढ़ा आज भी ताऊ ताऊ करता है। जब भी हम लोग दुखी होते हैं तो हम ताऊ को याद करते हैं भी, ताऊ एक टाइम जो था वो आपका था। एक हरियाणा आज के दिन है जिस हरियाणा के लिए हम लोग कहते थे कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, आज वही हरियाणा है। ना तो आज के दिन यहाँ दूध दही, क्योंकि हमारे जो पशु हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं दी, और जो हमारे रोजगार बेरोजगार जो बच्चे हैं, आज के दिन सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी की मार है। आज हमारे घरों में एक एक नहीं, मैं कहूंगी हर घर में 4-4 जो बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे। हम माएं उन बच्चों को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो जब आपकी सरकार बनेगी, जननायक जनता पार्टी की सरकार होगी,
आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम होगी तो सबसे पहले जो मेरे किसान भाई, जो मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े, मैं उनसे कहूंगी कि उस पहली कलम से हरियाणा के किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का जो कर्जा माफ होगा वो पहली कलम से कर्जा माफ करने का हम लोग काम करेंगे। जो बुजुर्ग है हमारे, उनकी जो उम्र है वो महिलाओं की 55 वर्ष करके पेंशन की, और पुरुषों की जो उम्र है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और जो पेंशन है वो 2000 से बढ़ा के आप लोगों की पेंशन 3000 रुपए करने का काम करेंगे। और जो आज पेंशन के लिए, मैं मेरे हलके में देखती हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग जो है वो पेंशन लेने के लिए इतनी दर दर की ठोकरें खाते हैं कि ना उनको पेंशन हर महीने मिलती, कहते आज मिलेगी कल मिलेगी। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा वकील बनूंगी 2019 में जब आपकी सरकार आएगी। सबसे ज्यादा महिलाओं की जो पैरवी है वो मैं करूंगी, आप लोगों के बीच में रह के महिलाओं को नहीं दिक्कत आने दूंगी मैं, क्योंकि मैं एक खुद महिला हूँ, मुझे पता है महिला जो है वो पूरे महीने जो अपना खर्चा चलाती है वो उन पैसों में कैसे अपने बच्चों को पढ़ाती है, कैसे वो किचन का खर्चा चलाती है, और उन्हीं पैसों में कैसे वो बचाकर बहन बेटियों के लिए रखती है। तो मैं बहन बेटियों की बात जब आती है तो मैं कहती हूँ मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कहती है, इतने इन्होंने महिलाओं के ऊपर नाम रखे हैं। अभी इन्होंने एक नई नई महिलाओं के लिए पुलिस की वो बनाई है दुर्गा शक्ति। अभी मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी दुर्गा ऐप बनाने से काम नहीं चलेगा, जो आपने एक पुलिस का जरिया बना रखा है महिलाओं को ऐसे धोखाधड़ी देने के लिए, उन दुर्गा शक्ति के नीचे जो पुलिस की एक ऐप आप लोगों ने बना रखी है, चार लड़कियां आप पुलिस की एक गाड़ी में बिठा के शहर के बाहर खड़े कर देते हो, उनसे ये किडनैपिंग और ये बलात्कार नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो सारी की सारी जो गाड़ी में बैठी होती वो 24 घंटे मोबाइल पे वो लड़कियां लगी रहती है। मैंने कहा आप अपने कमिश्नर को कहो कि जो लड़कियां 24 घंटे मोबाइल पे लगी रहती है वो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगी। एक आप तो शादी आप लोगों ने की नहीं, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शादी की, ना हमारे मुख्यमंत्री ने की, तो उनको महिलाओं का क्या पता भी महिलाओं का एक जो दर्द है वो क्या होता है। किसी की बहन बेटी की जब इधर लूटी जाती है तो उनको क्यों दर्द होएगा, क्योंकि उनके घर में बहन बेटियां तो है नहीं। तो इसलिए आप जागरूक हो जाओ, क्योंकि अब जमाना जो है वो जागने का है। और जो पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों के 6800 गांव में आरओ सिस्टम लगाकर और पीने के पानी, शुद्ध जो पानी है वो देने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारे सरकारी स्कूल है उनका अच्छी तरह, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरह उनको बिल्कुल अपग्रेड करके, उनको मेंटेनेंस करके, उनको अच्छा बनाने का काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग प्राइवेट स्कूलों में जाए, वो भी सरकारी स्कूलों की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार स्कूल बनाती है तो उनकी फैसिलिटीज भी बढ़नी चाहिए। आज हम जाकर देखें तो स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इतनी मतलब हर वर्ग, मैं कहती हूँ चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एनएचएम कर्मचारी हो, चाहे कोई भी वर्ग उठा के देख लो, हर वर्ग ने जो है वो धरना और प्रदर्शन करने का काम किया है। पर 4.5 साल में किसी भी वर्ग की कोई भी सुनवाई नहीं। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी कि नोटबंदी की मार जो हम माताओं और बहनों पे पड़ी है वो शायद किसी भी नहीं पड़ी, क्योंकि हम माताएं बहनें अपने खर्चे में से थोड़ा खर्चा बचा के जो रखते थे, वो जो बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए करते हैं, मैं उन मोदी जी से कहूंगी कि आप महिलाओं का क्या भला करोगे। आपने तो नोटबंदी में हमारी जो एक गांठी हुआ करती थी वो भी निकलवा ली, जिसमें हम बहन बेटियों को खुश किया करते थे। आज हमारे पास, क्योंकि पुरुषों ने जो है, हमने भी डर के सारे पुरुषों के सपुर्द कर दिए नोटबंदी में जो पैसे हमारे पास थे, आज वो दोबारा पैसे जोड़ने के लिए महिलाएं एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठे, दोबारा हमारे पास तो पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि वो पैसे तो ले लिए पुरुषों ने हमारे से। तो आप लोग जो हो जननायक जनता पार्टी के समर्थन में एकजुट हो जाओ। यहाँ आई हुई महिलाओं से कहूंगी कि एक एक महिला, 10-10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो, क्योंकि जब हम महिलाएं जुड़ेंगी तो हमारा संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत होगी तो आने वाले विधानसभा में आपकी सरकार होगी, और सरकार होगी तो आपके काम होंगे। हम लोग वो राम सेतु बनाएंगे जो
रामायण में वानर सेना ने बनाया था, उस वानर सेना ने वो राम सेतु बनाया था रामचंद्र जी के लिए, तो आप वो राम सेतु बनाओ जननायक जनता पार्टी के लिए, जिस पे हमारे विधायक चंडीगढ़ पहुंचे और आप लोगों की सरकार हो, और आप लोगों की जब सरकार होगी तो मैं माताओं और बहनों से कहूंगी, क्योंकि पुरुष और नौजवान जो बच्चे हैं वो अजय जी के पास और दुष्यंत और दिग्विजय के पास जाके अपने काम करवा सकते हैं, पर आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों के काम के लिए मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी। तो आप आज से एक दिन करके, क्योंकि ये जो आप लोग इकट्ठे हुए हो ये बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है, तो जिन लोगों ने इस आज के प्रोग्राम को सफल करने के लिए, जिन मेरी माताओं और बहनों ने, जिन नौजवान बच्चों ने, जिन पार्टी जिला अध्यक्ष और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक एक मैं व्यक्ति का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये कड़ी मेहनत का नतीजा है जो इतनी भारी संख्या में आज महिलाएं आई है। और ऐसे ही आप लोग, लोकसभा का इलेक्शन जो है वो महीने बाद, आपके कभी भी एक महीने बाद लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि लोकसभा का इलेक्शन जो है उसमें एकजुट हो जाओ। आज बोहर में इतनी भीड़ देखे, कहते हैं ये हुड्डा जी का गढ़ है, मैं कहूंगी आज से ये जननायक जनता पार्टी का गढ़ है। आज ये भीड़ देखकर मैं कहूंगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जमीन आज से खिसकती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये भीड़ जो है इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो। आज उनको मैं मेरे देवर के लिए बोल के आई थी, मैंने कहा उनकी चोटी में पसीना ला के छोड़ेंगे, और मैं कहती हूँ आज की भीड़ देख के कहती हूँ कि पसीना तो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी आ गया आज। तो आप लोग पार्टी के लिए एकजुट हो जाओ, दुष्यंत को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, जितने भी माता और बहने, आप लोग दुष्यंत की माँ बहन चाची ताई बनके पार्टी के लिए काम करो, क्योंकि दुष्यंत को एक एक आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे गदा दी है, मान सम्मान मेरा जो किया है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगी कि मैं ये गदा अपने जो मंदिर है अस्थल बोर में वहाँ देने का काम करूंगी, तो इसको कबूल कर दे, बाबा मस्तनाथ के मंदिर में देने का काम करूंगी, तो आप लोग इसको कबूल करो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।